केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में अपना 5वां बजट पेश किया। इस दौरान कृषि, शिक्षा, गरीबी और नौकरी पेशा लोगों के लिए अहम ऐलान किए गए। यहाँ तक कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री भी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि सरकार साल भर में कहाँ से कितना कमाएगी और कहाँ पर कितना खर्च करेगी, इन सारे का हिसाब किताब को कहते हैं बजट। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय क्या कहा, आइए इस रिपोर्ट को एक बार देखते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2023-24 का बजट पेश कर रही हूँ। ये अमृतकाल का पहला बजट है। ये बजट पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर खड़ा है। हम प्रगतिशील भारत बनाना चाहते हैं जहाँ महिलाएं, किसान, अनुसूचित जाति समेत सभी को जगह मिले। हमारे करंट ईयर की ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, कोविन और UPI जैसी तकनीक और कोरोना के दौरान फ्री राशन से हमने तय किया कि कोई भूखा न सोए, सभी अंत्योदय और गरीबों को अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की सप्लाई 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। PMPBTG विकास मिशन पिछड़े आदिवासी समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। एकलव्य मॉडल 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 38,800 टीचर्स और स्पोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी। इस स्कीम में 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स कवर होंगे। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर।